हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे एआरसी फाइनेंस शेयर के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एंड मंडे को क्या टारगेट अचीव हो सकते हैं वो बताऊंगी। सो करंट प्राइस इज 1.17 एंड इसमें एक लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है -4.88% का। 52 वीक लो इज 0.46 एंड हाई है 6.71 फ्रेंड्स। 5% का सर्किट सेबी की तरफ से है इस शेयर में एंड टर्नओवर है अराउंड 33 लाख का एंड मार्केट कैप है 59 करोड़ का। फेस वैल्यू 1 रुपीज है एंड ईपीएस है 0.04 एंड पीई है 29। तो पीई अभी अच्छा है एंड आरओई इज ऑल्सो इन पॉजिटिव 0.44। किस सेक्टर से बिलोंग करता है पेनी शेयर है? फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। 30 जून को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड रिजल्ट्स आने से पहले ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है इनसाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। सो 48 आवर्स तक ये रहेगी, उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगा। आज BSE में क्वान्टिटी ट्रेड हुए 28 लाख एंड 70% डिलीवरी उठाई गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 12% है एंड पब्लिक की 87% है। सो फ्रेंड्स, प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ी कम है। टारगेट्स क्या अचीव हो सकते हैं? सो मंडे के लिए टारगेट फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड टारगेट 1 रुपीज़ का आप लेके चलिए एंड अप ट्रेंड टारगेट 1.25 का। चांसेस ज़्यादा डाउन ट्रेंड के हैं। सो 1 रुपीज़ तक जा सकता है ये शेयर। सो पेनी स्टॉक है, अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी। अभी थोड़ी सी इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है तो चलने दीजिए। सो मैंने आपको बता दी करंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज कर दी गई है एम्प्लॉयज़ के लिए एंड डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? इसका रीज़न ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है तो जो भी उसके एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें पता होता है कि रिजल्ट कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी का कैसी ग्रो कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग वो उसका मिसयूज़ ना कर सके। फॉर एग्जांपल वो शेयर्स लेके रख लेंगे एंड अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा तो जैसे ही आएगा तो उसको सेल आउट कर देंगे। सो इसीलिए 48 आवर्स तक ये ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज होती है। तो अभी सेबी के अकॉर्डिंग 5% का ही सर्किट है। अगर अपर सर्किट लगता है तो भी 5% एंड अगर लोअर सर्किट लगता है तो भी 5%। टारगेट्स मंडे के लिए मेन है, इस पर फोकस ज़रूर रखना है। डाउन ट्रेंड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं एंड अप ट्रेंड में आप 1.25 का टारगेट लेके चलिए, डाउन ट्रेंड में आप 1 रुपीज़ का टारगेट लेके चलिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट और कोई भी नहीं आई है, यही आई थी कि क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड बेल बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए बिकॉज नेक्स्ट कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।